मदुराई नाम के गांव में रामा और उसकी पत्नी शांता रहती थी। वो दोनों खेती में काम किया करते थे। उनको एक लड़का था जिसका नाम था सुधीर। रामा अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसका बेटा सुधीर पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। रामा अपने बेटे को खूब पढ़ने के लिए कहता और उसकी पढ़ाई के लिए जो भी पैसे लगे वो जैसे तैसे करके जमा कर ही लेता। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन खेत से लौटते समय रामा को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। रामा की ऐसी मौत देख के सारे गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। उसकी पत्नी शांता के पास अब कमाने का कोई साधन नहीं रहता और उसके बेटे के कुछ दिनों बाद खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। माँ, पिताजी जाने के बाद हमारे खाने के लाले पड़े हैं, हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे माँ, तुम डोसा कितना अच्छा बना लेती हो, क्यों ना तुम डोसा बनाकर बेचो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मगर हमारा डोसा लोग खाएंगे क्या? माँ, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें जो आता है वही क्यों नहीं, लोग आएंगे भी और डोसा खाएंगे भी। शांता अपने बेटे की बात मान लेती है और अगले दिन से ही डोसा बनाने का काम शुरू कर देती है। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो एक चूल्हे पर डोसा बनाना शुरू करती है और बेटा सुधीर वो डोसा लोगों तक पहुंचाता है। लोगों को शांता का डोसा बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसके दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब शांता को भी खुद पर विश्वास होने लगा और उसने जल्द ही अपना खुद का एक ठेला खरीद लिया। वो अब उस ठेले पर अपना डोसा बेचने लगी। उसके ग्राहक उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। अरे भाभी, आपका डोसा तो बहुत ही अच्छा है, आपके डोसे के दाम भी कम है और टेस्ट भी लाजवाब है। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा बोल के सारंग वहाँ से चला जाता है। अब हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं और बारिश के मौसम में यहाँ डोसा बेचना बहुत मुश्किल है, क्यों ना हम जमा किए हुए पैसों से एक दुकान खरीद ले और दुकान में डोसा बेचे। हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रहे हो, दुकान हो जाएगा तो हमें डोसा बेचने में आसानी हो जाएगी और हमारे ग्राहकों को सुकून से डोसा खाने के लिए जगह भी मिल जाएगी। अब शांता गांव में एक दुकान खरीद लेती है और वहां से अपने डोसे का काम शुरू करती है। शांता के डोसे अब खूब बिकने लगे। एक दिन उसके दुकान पर उसकी पड़ोसन रमैया आती है। अरे शांता, पति के जाने के बाद तुमने घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया है, मगर अपने बेटे की पढ़ाई का क्या? अरे आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पड़ोस का शिवा है ना, वो मुझे सब अभ्यास बता देता है। मैं खुद से घर पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ और माँ की मदद भी हो जाती है। शांता घर जाकर सोचने लगती है। मैंने घर के चक्कर में अपने बच्चे का जीवन दाव पे तो नहीं लगा दिया ना, अब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद सुधीर की 12वीं की परीक्षा होती है। सुधीर 12वीं की परीक्षा में अव्वल आता है। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। अरे सुधीर, तुझे तो अच्छे मार्क्स मिले हैं, तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने अब शहर जाओ। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और रही बात पढ़ाई की तो मैं घर पर ही पढ़ लूंगा, अब तक जैसे किया है। नहीं बेटा, आज तक तुमने बहुत कष्ट किए हैं, अब मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पिताजी का सपना पूरा करो। माँ, मैं तुम्हारी और पिताजी की इच्छा पूरी करूँगा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। बेटा, तुम यहाँ की कोई चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। सुधीर पढ़ाई करने शहर चला जाता है और इधर शांता भी अपने दुकान में अच्छी तरह से काम करने लगती है। हाथ बटाने के लिए वो अपने साथ दो औरतें भी रख लेती है। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और वहाँ सुधीर भी अच्छी तरह से पढ़ाई करके एक इंजीनियर बन गया था। कुछ सालों बाद वो गांव आया और अपनी माँ की फिर से मदद करने लगा। बेटा, तुम इतना पढ़े हो तो तुम किसी अच्छे कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेते, इससे तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी। नहीं माँ, पिताजी जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा और अब मुझे शहर जाने कह रही हो, मैं यही रहूंगा और तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगा। सुधीर घर रहकर अपने माँ की मदद कर देता है और अपनी पढ़ाई से अपने धंधे में कुछ बदलाव लाता है। अब सुधीर अपने डोसे के धंधे को ऑनलाइन कर देता है और सारे गांव में अपने ऑनलाइन डिलीवरी के पर्चे छपवा देता है। लोग उस पर्चे पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं। अब शांता के लिए और कुछ काम वाली औरतें आती है और कुछ डिलीवरी बॉय भी काम करने लगते हैं। अब डोसे की डिलीवरी लोगों के घर पर होने लगी और कस्टमर्स बहुत खुश हो गए। शांता डोसा वाले, हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? मुझे 4 प्लेट डोसा और एक्स्ट्रा चटनी चाहिए। जी मिल जाएगा, अभी भिजवा देता हूँ। अब शांता का धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। सुधीर उस छोटे से धंधे को नई ऊंचाइयों पर ले गया। अब उनके ठेले की जगह एक बड़े होटल ने ले ली। शांता को भी अब आराम मिल गया। अब पूरा कारोबार सुधीर ही देखने लगा और इस तरह से सुधीर और उसकी माँ ने खूब मेहनत कर अपना जीवन सार्थक किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखकर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाली की कभी हार नहीं होती। कोमल अपने माता पिता के साथ गंगापुर गांव में रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो सभी लोगों की मदद भी किया करती थी।
कोमल अपने माँ बाप की बहुत सेवा करती थी और उन्हें खुश रखती थी। वो कुछ ना कुछ काम करके अपना दिन का गुजारा कर ही लेती और इसी वजह से गांव वालों के मन में उसने एक अलग ही जगह बना ली थी। अब पूरे भारत देश में कोरोना नाम की भयंकर महामारी छा गई थी। सारे शहरों तथा गांवों में भी कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे। सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। एक दिन राशन की एक दुकान पर कोमल राशन लेने गई थी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, मगर उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। ये देखकर वो सोच में पड़ गई। इन लोगों के पास पहनने के लिए मास्क भी नहीं है क्या? सभी लोगों के काम भी अब बंद हो गए थे और सब लोग अपने अपने घर में ही थे। उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं था। ये सब देखकर कोमल सोच में पड़ गई थी। कोमल हमेशा आजू बाजू में क्या हो रहा है इस सब का ज्ञान रखती थी। अगली सुबह जल्दी उठकर कोमल अपनी माँ की सिलाई की मशीन पर कॉटन के कपड़े से कुछ बनाने लगती है। अरे बेटा, सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ, मास्क बनाकर देख रही हूँ। देखो कैसा है। पहला मास्क तुम्हारे लिए, लगा कर देखो। अरे हाँ, ऐसा ही होता है टीवी में। अरे माँ, मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही मास्क बनाकर बेचूं तो लोगों के काम भी आएंगे और मैं इससे कुछ पैसे भी कमा सकूंगी। अरे ये तो अच्छी बात है कोमल, तुम मन लगाकर मास्क बनाओ। ये कहकर माँ घर में चली जाती है और कोमल मास्क बनाने लगती है। देखते ही देखते कोमल ने दिन भर में 50 मास्क बना लिए और एक बैग में उन्हें भरकर वो बाजार जाकर बेचने लगी। उसके बनाए हुए मास्क सभी को बहुत पसंद आए। उसने सारे मास्क कम दाम में ही बेच डाले। अब ऐसे ही कोमल हर रोज मास्क बनाती और बाजार जाकर बेचा करती थी। ये सब देखकर उसकी पड़ोसी राधा बहुत जल रही थी। अब वो भी मास्क बनाने लगी, लेकिन उसके मास्क कोई नहीं खरीदता था क्योंकि वो बहुत महंगे थे। अब राधा कोमल से बहुत जलने लगी और एक दिन रात को चुपके से जाकर उसने कोमल के बनाए हुए मास्क पर कुछ कलर डाल दिया और सुबह मजा देखने के लिए आंगन में आकर खड़ी हो गई। कोमल सुबह उठकर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन जैसे ही उसने मास्क देखे वो रोने लगी और अपने माँ से कहा, माँ ये कैसे हुआ, मेरे पूरे मास्क खराब हो गए। बेटी चिंता मत करो, ये जरूर किसी की चाल है, तुम और मास्क बनाओ और बाजार जाके बेच आओ। कोमल अपना रोना बंद करके मास्क बनाने बैठ जाती है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर में चली जाती है। ये सब कोमल देख लेती है और समझ जाती है कि ये सब राधा की करामत है। कोमल वापस अपने मास्क बनाने में मग्न हो जाती है और किसी का द्वेष नहीं करती। कोमल का यही स्वभाव उसे तरक्की की तरफ ले जाता है। अब वो बहुत सारे मास्क बनाकर बेचने लगी। उसके पास मास्क के ऑर्डर्स अब शहरों में से आने लगे। उसने अपने साथ 5 औरतों को लेकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया और शहरों से बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगी। अब लोग कोमल को बड़ी इज्जत देने लगे और वो गांव में मास्क वाली कोमल के नाम से जानने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत का फल मीठा ही होता है। कानपुर नाम के शहर में बिकरू गांव में एक गुंडा रहता था। उसका नाम था विकास दुबे। उस पर 60 पुलिस केस दर्ज थे। उसी शहर के पुलिस स्टेशन में विनय सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो बहुत ही होनहार और ईमानदार थे। उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी जया थी। पापा अब थाने चले जाते हैं और माँ मुझे कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं निकलने देती और घर में रहके हरी सब्जियाँ खाने को देती है। अब बताओ ना पापा मम्मी को। अरे बेटा, हरी सब्जियाँ खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम्हें मेरी तरह देश की सेवा करनी है तो अच्छा खाना पड़ेगा। ठीक है पापा। अगले दिन विनय सिंह अपने ऑफिस में जाते हैं। वहाँ जाते ही उन्हें ऊपर से एक अर्जेंट ऑर्डर आती है। सब पुलिस वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। उस चौबेपुर थाने में जो भी हालचाल होती उस पर विकास दुबे की नजर थी। उसे घर बैठकर सारी खबरें मिल जाती थी। उस थाने के डीएसपी थे देवेंद्र मिश्रा जी। ऑफिसर, हमें विकास दुबे के घर जाकर उसे गिरफ्तार करना है। यस सर, हमारी तैयारी हो गई है, आप बताइए कब निकलना है। उसी पुलिस स्टेशन में विकास दुबे का एक खबरी रहता था। वो विकास को फोन कर देता है। हेलो विकास दुबे जी, आज आपके लिए मेरे पास एक खबर है। कौन सी खबर लाए हो आज? विकास जी, आज आपके घर पर पुलिस आपको पकड़ने आने वाली है, आप सतर्क रहिए। अच्छा हुआ तुमने बताया, बाकी तुम्हें कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ कमी नहीं, सब आपकी कृपा है। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। अब विकास दुबे अपने साथियों को एक जगह बुला लेता है और साथियों, हमारे घर पर हमला होने वाला है, इसलिए हम सबको तैयार रहना है, पुलिस का डटकर सामना करना है। जी विकास जी, आप चिंता ना करें, हम सब बंदोबस्त कर देते हैं। चलो हम छत पर खड़े रहकर निशाना लगाएंगे।
दुबे के कुछ साथी बाहर जाकर रास्ते पर जेसीबी लगा देते हैं ताकि पुलिस की फौज अंदर ना आ सके, और बाकी के साथी छत पर जाकर तैयार खड़े रहते हैं। सब लोग पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस विकास के घर के पास आती है, लेकिन रास्ता जेसीबी से बंद देखकर दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचते हैं। चलो उस रास्ते से जाते हैं। सर, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ? उस विकास दुबे को पकड़ना है तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। चलो हम उनका डटकर सामना करेंगे। जी सर, चलिए। अब सारी पुलिस फोर्स दूसरे रास्ते से विकास दुबे के घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उनकी जीप पर ऊपर से गोलियों की फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग में 8 पुलिस कर्मचारी और डीएसपी मिश्रा शहीद हो जाते हैं। उस जगह सन्नाटा छा जाता है। अब पुलिस की दूसरी फोर्स रास्ते पर तैनात रहती है, लेकिन रास्ते में जेसीबी होने के कारण वो घर तक पहुंच नहीं पाते। घर तक जाने में देर होने के कारण लगभग 7 पुलिस कर्मचारी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। शातिर विकास दुबे वहां से एक साइकिल लेकर भाग जाता है। अब सारे देशवासियों के मन में क्रोध की भावना उमड़ पड़ती है। सब लोग चाहते हैं कि विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। पुलिस अपनी कार्यवाही बड़ी सख्त कर देती है और सब जगह अपना बंदोबस्त कर देती है। कानपुर की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को भी इत्तला कर देती है और सारे पुलिस स्टेशनों में उसकी फोटो सेंड कर देते हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात हो जाती है और लोगों में भी जागरूकता फैलाई जाती है। पुलिस प्रशासन विकास दुबे को पकड़ने वाले को 5,00,000 रुपए का इनाम रखती है। पूरे भारत में ये खबर हवा की तरह फैल जाती है। पुलिस अफसरों की नई टीम विनय सिंह और डीएसपी मिश्रा के घर वालों को तथा शहीद हुए सारे पुलिस कर्मचारियों के परिवार को आश्वासन देती है। विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। अंकल, मैं बड़ी होकर अपने पापा की तरह बनूंगी और विकास दुबे जैसे लोगों को कड़ी सी कड़ी सजा दूंगी। हाँ बेटी, तुम बेशक पुलिस अफसर बनोगी। सारे लोग वीर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। इधर विकास इस गांव से उस गांव में जाते ही रहता है। वो किसी राह चलते बाइक सवार की मदद लेकर दिल्ली जाने के लिए निकलता है। उसके करीबी रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से वो दिल्ली पहुंच गया, मगर वहां जाते ही उसे पुलिस तैनात दिखाई दी और वो उसी रास्ते से फरीदाबाद वाले रास्ते पर निकल पड़ा। फरीदाबाद जाकर उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले। उन पैसों से उसने मोबाइल और कुछ जरूरत की चीजें खरीदी, साथ में एक अखबार भी खरीद लिया। अखबार से उसे पता चला कि उसके रिश्तेदारों को पुलिस ने मार दिया है। अब वो बहुत डर गया। लगता है ये लोग मेरा भी इनकाउंटर कर देंगे। मुझे यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश जाना चाहिए, पुलिस मुझे वहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। अब विकास गुप्त रास्तों से मध्य प्रदेश चला जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ भी पुलिसों का सख्त पहरा है। अगर मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाकर छुप जाऊँ तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। यूपी पुलिस अब एमपी पुलिस को इतल्लाह कर देती है और एमपी पुलिस भी अब बहुत सतर्कता से काम करने लगती है। एक दिन मंदिर में पूजा होने के बाद प्रसाद लेने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। उसी लाइन में विकास दुबे भी होता है। तभी मंदिर के एक सुरक्षा कर्मी की नजर विकास दुबे पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। आखिर पुलिस वहां आकर विकास दुबे को पकड़ लेती है। एमपी पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपने जा रही थी और रास्ते में जाते जाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और उस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने लगा और पुलिस ने उसे गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। सारे देशवासियों को यह खबर सुनकर खुशी हो गई और एक तरफ गम भी था कि हमारे देश के होनहार सेवक बेवजह मारे गए थे, मगर आज उन शहीद पुलिस वालों को सच में श्रद्धांजलि मिली थी।